नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है लजम स्कूल के CMD अनूप शाह सर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज 26 जनवरी है जी, गणतंत्र दिवस है, इस उपलक्ष्य में अपने स्कूल के किस तरह के एक्टिविटीज हैं उस बारे में आप बताइए। सर, आज हमारे स्कूल में म्यूज़िक का अरेंजमेंट किया गया है, साथ में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए हैं जिसमें टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, प्रिंसिपल मैम ने भी पार्टिसिपेट किया है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट आज स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पे किया गया। सर, जब हम लजम स्कूल की बात करते हैं तो शहर में काफ़ी चर्चित स्कूलों में से आपके स्कूल एक है जी। तो ऐसे में देखा गया कि हर साल अच्छा परफॉर्मेंस भी स्कूल देती है जी। तो आप ये बताइए कि किस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है अपने स्कूल में, उस बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो स्कूल का आज सबसे नाम हुआ है, इसमें टीचर्स का काफ़ी रोल है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है टीचर्स और प्रिंसिपल ने, एंड उसमें अपना हम स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी वहाँ बच्चों को कराया जाता है, जिसमें डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, कराटे है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस माध्यम से हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं और इस साल हम लोगों ने काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी अवार्ड हम लोगों ने स्कूल ने बच्चों को मिले हैं, इसमें टीचर्स का भी काफ़ी मेहनत इसमें स्कूल के नाम में आया हुआ है। सर, आप ये बताइए कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए स्कूल के का गुड परफॉर्मेंस के लिए किस तरह के एफर्ट्स एक संस्था संचालक के रूप में आप करते हैं, उस बारे में बताइए। इसमें सर ऐसा है कि मैं एज ए संचालक होने के बावजूद भी मैं सबसे पहले स्कूल में, मैं जब स्कूल शुरू होता है तो मैं पहुंच जाता हूं और मैंने 18 सालों से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं, तो मैं जब भी ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने स्कूल को नहीं पहुंच पाया उस पीरियड में, मैं हमेशा स्कूल का एक टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग में स्कूल में मैं पहुंच जाता हूं, मैं क्योंकि स्कूल में काफ़ी बच्चे होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी मेरे ऊपर है और टीचर्स के ऊपर रहती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और एकेडमिक्स में भी हम लोग बच्चों को प्रॉपर तरीके से उनको एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सके, इसमें हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सक्सेस और अचीवमेंट्स, जैसे आए दिन ब्लजम स्कूल्स को कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो आप ये बताइए ज़्यादा पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने स्कूल में जो एजुकेशन जो चल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या एक मैसेज दूंगे? सर, मैं पेरेंट को यही मैसेज दूंगा कि आपने जो एक ट्रस्ट स्कूल के ऊपर किया है और आपने अपना बच्चा हमें हमारे स्कूल में एडमिशन करवाया है, हम कोशिश करेंगे कि और मेहनत भी करेंगे बच्चों के ऊपर कि वो बच्चा प्रॉपर एजुकेशन प्लस एक्टिविटी और ऑल ओवर ऑल रोल डेवलपमेंट हम लोग बच्चों को देंगे और बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा हमारे स्कूल के बाद। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब।